चमक रहा। ये तो लेके जाएगा हमको ऐसे पार, जन्म जहाने दे वाला जग का तारणहार। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम धर्म में आपका स्वागत है और आज हम उपस्थित हुए हैं दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्यौहार क्रिसमस के लिए। और आज हमारे साथ है खंडवा डायोसिस के बिशप AAS दुरईराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SW24 में। धन्यवाद, थैंक यू।
हम जानना चाहेंगे कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे समय में क्रिसमस की क्या तैयारी है और कैसे मनाया जाएगा? इसी महामारी काल में हम लोग सरकार की तरफ से जो भी नियम SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिया है उसके अनुसार मैंने आदेश दिया है हमारे सभी फादर्स सिस्टर्स विश्वासियों को उसका पालन हो जाए। और हर वर्ष हम लोग धूमधाम से 24 तारीख रात को 12 बजे मिसा बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु येसु का जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष उसी समय या कोरोना के कारण हम लोग नहीं मनाएंगे, तो शाम को और छोटे छोटे ग्रुप में मनाने के लिए मैंने दिया है। साथ ही साथ ये कैरल सिंगिंग गीत गाते हुए सांता क्लॉज के साथ नाचते हुए कुछ गिफ्ट्स बांटते हुए बच्चों के साथ लोग जाएंगे, लेकिन इस वर्ष नहीं जाएंगे, वो कैरल सिंगिंग को कैंसिल कर दिया है हम लोगों ने। तो इस प्रकार अपना त्यौहार सादगी अपनाते हुए हम लोग सिंपल तरीके से हम मनाएंगे। मतलब उत्साह तो वही रहेगा पर बहुत सादगी से चलेगा क्रिसमस। तो हम चाहते हैं कि आप ये जो क्रिसमस और क्रिश्चियनिटी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। धन्यवाद। या हमारे ईसाई धर्म और विशेषकर ये कैथोलिक धर्म के बारे में बताने के लिए मैंने यह सोचा, हमारे पवित्र बाइबल का प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय इस विषय से आरंभ होता है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने इस सुंदर पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे फलदार पेड़ उत्पन्न किया। हर एक चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर ने इस धरती पर हमें दिया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने यह कहा, हम देखते हैं इस प्रथम ग्रंथ में ईश्वर ने यह कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए और उसने नर नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। इस प्रकार ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति और सामर्थ्य दिए हैं और हम लोग तरक्की करते हुए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के कारण अपनी कमजोरियों से भटक जाता है। हम देखते हैं ईश्वर नबियों को भेजता है, राजाओं को भेजता है, कई ज्ञानियों को भेजता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन हम में से बहुत सारे हम अपने मानव जीवन में भटक जाते हैं, ईश्वर का आदेश पालन नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ईश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं हमारे बीच में आकर निवास करते हुए हमें वो प्यार का मार्ग दिखाए, शांति का मार्ग और भाईचारे का मार्ग दिखाए। जी, जैसा हर धर्म में ही है ये कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और नर नारी को जो है प्रमुख रखा, मतलब बुद्धि उन्हीं को दी है और वो इस जगत को आगे बढ़ाएं समझे, पर वो स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है एक दूसरे का ही नरसंहार करने में लगा हुआ है। जी, इसलिए क्रिसमस एक ऐसा दिन है कि ईश्वर इस धरती पर आए और हमें किस प्रकार अपने जीवन में जीना है उसका तरीका उन्होंने सिखाया। और हम देखते हैं कि उनका जन्म ऐसा हुआ कि वो एक गरीब परिवार में माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, लेकिन हम देखते हैं कि वो यूसुफ और माँ मरियम
उनको संभाला, पालन पोषण किया। हम देखते हैं उनका जन्म बेथलहम में हुआ था, बेथलहम में, और वो गौशाले में, छरनी में उनका जन्म हुआ। इसलिए हम सब इस विषय पर मनन चिंतन करते हैं कि ईश्वर इस धरती पर ऐसी परिस्थिति में जन्म लेते हुए लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। इसलिए हमें बार बार इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते समय किस प्रकार ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, लाचार है, ज़रूरतमंद है, उनकी सहायता करते हुए उनको ऊपर उठाने के लिए ईश्वर धरती पर आए। उसी प्रकार हमें भी हर एक ईसाई का कर्तव्य यह होता है, और हमें ध्यान करना, इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। समस्त मानव जाति को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, हेल्प, मदद करनी चाहिए। और यह पर्व भी क्रिसमस है ना, ये प्रकाश का पर्व हम समझ सकते हैं, क्योंकि लाइट्स, इल्यूमिनेशंस डालते हैं, तारा लगाते हैं। तो ईश्वर चाहता है कि हम सब ज्योति बने। एक प्रकार हम प्रकाश पर्व भी हम प्रकाश फैलाए सद्मार्ग का, अच्छी बातों का, अच्छे ज्ञान का। इसलिए हम लोग ईसाई लोग कहते हैं प्रभु येसु संसार की ज्योति कहते हैं। और येसु ने भी यह कहा हमसे संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ईश्वर हम सबों से यही चाहता है कि हम सब ज्योति बनकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। तो दिया भी जलाते हैं तो वो दूसरों को प्रकाश फैलाने के लिए जलाया जाता है। उसे ऐसी जगह नहीं रखा जाता है कि जहाँ से रोशनी ना हो, ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ सबको प्रकाश मिले। तो इस बार क्रिसमस के लिए अपने यहाँ क्या हो रहा है? हर वर्ष हम हमारे शहर के महान भावों को और जितने भी लोग हमारी सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हैं उन सबको बुलाते हैं, स्नेह सम्मेलन रखते हुए हम हमारी खुशी को बांटते हैं। लेकिन इस वर्ष तो उसका कैंसिल करते हुए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इस वर्ष वहाँ उसी प्रकार नहीं रखेंगे। हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजते हुए हम अलग तरीके से इस वर्ष क्रिसमस मनाएंगे। और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस क्रिसमस सीजन में हम प्रार्थना करें कि ईश्वर सबको सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। ईश्वर नव वर्ष 2021 में हमें सुख और आनंद प्रदान करें। और मेरी प्रार्थना यह है कि हम सब भाईचारे में, एकता में हम आगे बढ़ते रहें। आप सबको क्रिसमस की बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल SW24 को समय देने के लिए। तो आज हमारे धर्म कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं आपके चैनल को और आपकी टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।